अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है स्टार्ट। काफी अच्छा आपको दिख रहा है ट्रेडिशनल विलेज इस्लामाबाद में। आप जब सेक्टर F6 और F7 के में आएंगे तो आपको ये खूबसूरत गांव देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी भी तकरीबन पुराने जमाने में जो लोग अपने घर वगैरह बनाए थे वो अभी तक मौजूद है। ठीक है, तो इसको कहते हैं जी सैदपुर विलेज। मैं नहीं मानता। हाँ जी, तो पार्किंग पर लगा दी है अपनी गाड़ी। ठीक है, अभी एक छोटी वाली गाड़ी ले आए। ठीक है, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। तो 12-3 पे जाने लगे हैं इस्लामाबाद के। ठीक है, तो तकरीबन कितना किलोमीटर है हम देख लेते हैं इधर से। हाँ जी भाई लोग, तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं 12-3। इधर बड़ा बोर्ड लिखा हुआ है, अभी इधर है जी 5.7 किलोमीटर का ट्रैक है। ठीक है, तो इधर से जाने लगे हैं। शायद साबरी साहब आप पहले आए, क्योंकि आप पहले भी चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, रास्ता भी पता नहीं है, जंगल के बीच में हम कहीं गुम हो जाएं। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। ठीक है, तो साथ बने रहो। ठीक है, चलते चलते आपको दिखाते हैं, एक्सपीरियंस भी आपको दिखाते हैं, बताते हैं कि मौसम। अभी हम थोड़ा लेट आए हैं। ठीक है, आना तो हमने सुबह 6-7 बजे तक आना था, लेकिन अभी टाइम हो गया है तकरीबन 11 बजे। सर्दियों का मौसम इसीलिए लेट आए हैं। ठीक है, तो अभी इंजॉय करते हैं आपको, अभी आपको दिखाते रहेंगे, तो बने रहे ब्लॉग के साथ। टाइम भी ज़रा नोट करते जाते हैं। ठीक है, टाइम हो गया है अभी 11:03। 11 बजे हमने उधर नीचे स्टार्ट किया है। ठीक है, कि कितना टाइम लगता है, कितने टाइम पे ऊपर पहुँचते हैं, और वापसी का भी टाइम नोट कर लेते हैं। वापसी पर थोड़ी जल्दी पहुंचेंगे। ठीक है जनाब, सिर्फ और सिर्फ 7 मिनट चलने के बाद हमारी इधर ही बस हो गई है। ठीक है, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? थक गए हैं जी, आदत नहीं, इसी वजह से थोड़ी आज भी खोल रहे। ठीक है, तो अभी कोशिश करते हैं कंप्लीट करके जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, वो इधर देख सकते हैं। ब्यूटीफुल, क्या नज़ारे हैं जी, इस्लामाबाद की तो यही खूबसूरती है। शेर भाई क्या सीन है, चलें चलें ऊपर चलते हैं। थक तो नहीं गए आप? थक गए नहीं यार। हाँ जी, तो इधर ही पहुँचे हैं। सीन अभी कुछ ऐसा है कि थोड़े बहुत नज़ारे मिल रहे हैं इधर से। टॉप पे जाना, ठीक है, टॉप पे जाके मिलते हैं। ठीक है, साबरी साहब भी देखो थक गए हैं ना कर यार। A few moments later. हाँ जी, तो 21 मिनट के बाद ये फिर से रेस्ट करने लगे हैं। साबरी साहब भी बहुत थक गए हैं शायद, वो आदत नहीं है इनको अभी, ये इधर ही इस्लामाबाद में ही पले बड़े हैं, तो इनको क्या पता पहाड़ क्या होते हैं, चढ़ना क्या होता है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। हम तो पैदाइशी पहाड़ों में जिंदगी गुजार के हैं, साबरी साहब भी मैं नहीं मानता। फिर भी मुश्किल है यार। कंट्रोल कंट्रोल। हाँ जी, तो साबरी साहब ने सफर के आगाज पे ही अभी ब्रेक के बाद ही जाने लगे हैं, तो पता नहीं कौन सा म्यूजिक लगाया है इसमें, आप कमेंट में सेक्शन में बताएं कि कौन सा सॉन्ग है ये, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। अब शायद कह रहे कोई इंग्लिश है, लेकिन हमें तो इंग्लिश समझ आती नहीं है। ठीक है, उर्दू भी मुश्किल से आती है, तो आधा रास्ता तकरीबन हो गया है। ठीक है, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं 3-4 मिनट। भाई भी थक गए हैं, साबरी साहब भी थोड़ा थक गए होंगे, अभी काफ़ी थक गया हूँ, तो अभी तकरीबन आधा रास्ता रहता है। और मिला है इधर तकरीबन लिखा हुआ एविलेशन 3। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मीटर पता नहीं, तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। नमाज पढ़ने की जगह भी है, जो कि अच्छी बात है। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। की ट्रैकिंग
A few moments later. हाँ जी दोस्तों, तकरीबन पहुंच गए हैं, तकरीबन ठीक है। कैसा लगा मेरा मजाक? शेरी भाई आखिर में आ रहे हैं, ये बेचारे थक गए हैं शायद। अबरी और मैं पहुंच गए पहले। व्यू देखे यार, वाह सुकून तो बहुत है इधर। नहीं कुछ ना होना, लेकिन सुकून बहुत है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, ठीक है। बाकी इसके साथ आपको नज़ारे, वाह। दिस इज द कैपिटल। ओ माय गॉड, टुरुलाव इट्स कूल नाउ। या ये लोग जा रहे हैं। कंट्रोल कंट्रोल, बस हमारा लास्ट ये, इसके बाद खत्म हो रहा है हमारा फिनिशिंग पॉइंट पर टॉप पे, देख सकते हैं। आगे सिर्फ और सिर्फ 700 मीटर थे या 600 मीटर रह गए हैं, तो बहुत थक गए हैं जी। बाकी व्यू चेक करो जी, वाह हवाएं भी चल रही हैं, मन हो रही है आपको। आगे खाते हैं, ठीक है, स्टे विद अस। नहीं हाँ जी दोस्तों, तो फाइनली पहुंच गए हैं, ठीक है। लास्ट स्पॉट था हमारा ये, तो नहीं, रेस्टोरेंट आप देख सकते हैं फ्रंट पे आपके, ठीक है। तो यहाँ पे लंच वगैरह, ब्रंच वगैरह चल रहे हैं। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया, ठीक है। तो अभी पानी शानी पीते हैं, ठीक है, थोड़ा हाइड्रेटेड होते हैं, उसके बाद वापस हम इसी ट्रैक पे निकलेंगे, ठीक है। तो तकरीबन टाइम सभी साथ मोबाइल वगैरह दिखा देंगे। हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करता हूँ, ऑडियंस कितने टाइम में हम पहुँचे थे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बज गए हैं जी 12:51। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो 11 बजे हम बस निकले हैं, तो तकरीबन 2 घंटे लगते हैं हम ड्रेस करते हुए आए हैं, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ी टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन अमूमन आप अगर शॉर्ट टाइम पे थोड़ा जल्दी निकलें, ताकि आपको मतलब धूप से पहले आपको गर्मी वगैरह भी महसूस ना हो, तो आप तकरीबन 1.5 घंटे में पहुँच जाते हैं। एवरेज टाइम आप बता दें तो 1.5 घंटा है, तकरीबन 1 मिनट तक आप पहुँच जाते हैं। बाकी वापसी पे ईजी होता है, ठीक है। वापसी पे आप तकरीबन 40 मिनट, आप 45 मिनट में पहुँच जाएंगे। तो अभी पानी शानी पीते हैं, उसके बाद वापस निकलते हैं। शानी इधर से पी लिया, ठीक है, यानी पी लिया, ठीक है। अभी वापस जाने लगे हैं तकरीबन 1 बजे से, अभी टाइम हुआ है जी ठीक 1 बजे, ठीक है। तो देखते हैं कि कितने टाइम पर नीचे पहुंचते हैं, नीचे का टाइम भी आपको बताते हैं, ठीक है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, तो जाने लगे हैं जी तकरीबन, ठीक है। तो अभी हैं जी 1 घंटा, तो नीचे आते वक्त भी तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट या 1 घंटा 20 मिनट तक लगता है, ठीक है। तो आप इसी हिसाब से आप देख लें, अगर आपने कोई प्लान बनानी है तो। हाँ जी दोस्तों, तो आज का हाइकिंग का जो है सेशन खत्म हुआ, ठीक है। हम नीचे पहुंच गए हैं, 1 घंटे का टाइम लगा है, ठीक है, नीचे पहुंचने में। थोड़ी बहुत टिप्स देते चलूँ कि पानी आप साथ रखें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है पानी, क्योंकि तकरीबन 2 घंटे का आपका हाइकिंग का ट्रैक बनता है, तो पानी बहुत ज़रूरी है, पानी साथ लेके चलें। हाँ जी दोस्तों, तो हाइकिंग वगैरह हो गई है, ठीक है। तकरीबन वापसी पे हमें लगा तकरीबन 1 घंटा, ठीक है। तो आप कैसा लगा मेरा मजाक? ठीक है, आप थोड़ा जल्दी पहुँच जाते हैं। बाकी थोड़ी आपको बताते चलूँ कि पानी बहुत ज़रूरी है, साथ लेके जाएँ, ठीक है। पानी बाकी मीठा कोई चीज़ आप इंटेक ना करें, ठीक है, हाइकिंग के दौरान, क्योंकि वो थोड़ा इशू बन जाता है, आप जब भी थक जाते हैं, ठीक है। तो वो एक है, बस पानी पानी साथ लेके जाएं, ठीक है, इंजॉय करें, ठीक है। बड़े मज़ा आया आज तकरीबन 3 मिनट का, ठीक है। साबरी साहब को भी बहुत मज़ा आया, इंजॉय किया फेरी भाई, गए है। तो हाइकिंग बहुत ज़रूरी है, आप हफ्ते में 1 दफ़ा आए या महीने में कम से कम 2 दफ़ा ज़रूरी है, ठीक है। बॉडी भी फिट रहती है, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहती है, ठीक है। वगैरह तो मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में, ठीक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक। नहीं
के साथ ठीक है, तो व्लॉग करते हैं एंड ठीक है, तो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. थैंक यू गाइस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.